सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, अगर आप भी आपके लिए गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, अगर आपको जो कि बजट यहाँ पे 10,000 रुपीज का है प्रोसेसर के लिए, तो यार इस वीडियो को आप जो कि एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में आपको जो कि बेस्ट प्रोसेसर सजेस्ट करूंगा अंडर बजट ऑफ 10,000 रुपीज, जो कि अगर आपको परचेज करने के लिए वर्थ रहेंगे। तो यार यहाँ पे परचेज करने पे आपको जो कि बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको जो कि बढ़िया मैं यहाँ पे जो कि प्रोसेसर इस वाले वीडियो में सजेस्ट करने वाला हूँ। तो यार वीडियो को आप जो कि एंड तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं था चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती वीडियो को लाइक करें मत जाना। सो हे गाइस, दिस इज अगेन यू आर वॉचिंग टेक एडमायर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर आपको यहाँ पे जो कि बजट बहुत ज़्यादा कम है एंड गाइस यहाँ पे आप जो कि एक प्रोसेसर के लिए 3,000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यार ये वाला प्रोसेसर आपके लिए गाइस 3,000 रुपीज के अंदर आपको जो कि इंटेल की तरफ से मतलब कोर i3 थर्ड जनरेशन का यहाँ पे आप जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि यार i3 3240 यहाँ पे आप जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। सो गाइस, ये वाला प्रोसेसर हालांकि बहुत ज़्यादा पुराना है, बट यार आज के टाइम में भी इस वाले प्रोसेसर को यूज़ किया जाता है। अगर इस वाले प्रोसेसर पे आप जो कि डिसेंट लेवल की इवन यहाँ पे आप जो कि गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं गाइस, अगर जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ इस वाले प्रोसेसर पे आप जो कि आराम से कर सकते हैं। आपको जो कि प्रोसेसर GTA Vice City सैन एंड्रियास जैसे गेम को आराम से रन करवा देता है। अगर यहाँ पे आप जो कि वीडियो एडिटिंग में फिल्मोरा एंगस कैमटेसर जैसे सॉफ्टवेयर को आराम से इस वाले जो कि प्रोसेसर पे रन कर सकते हैं। अगर आपको जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है इस वाले प्रोसेसर पे, तो यार यहाँ पे आप जो कि फोटोशॉप एंगस कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर को आराम से इस वाले जो कि प्रोसेसर पे रन कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे आप जो कि सोच सकते हैं कि यार कितना ज़्यादा पावरफुल वाला आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये वाला आपको जो कि डबल कोर यहाँ पे आप जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है गाइस, LG 1151 सॉकेट के साथ यहाँ पे आप जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे आप जो कि 3.4 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है, 65W की TDP देखने को मिलती है इस वाले प्रोसेसर में, 6MB की कैश मेमोरी के साथ ये वाला आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे आप जो कि ये वाला प्रोसेसर DDR3 वाली रैम को जो कि सपोर्ट करता है। अगर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उसके प्रोसेसर देखने को मिलता है गाइस, 2,299 रुपीज़ में आपको उसके प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस वाले प्रोसेसर के साथ जो भी यहाँ पे कॉम्पिटेबल जो कि यहाँ पे मदरबोर्ड रहेगा उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यार प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड अगर आपको परचेज करना, तो यार डिस्क्रिप्शन से जाके परचेज आप जो कि कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको जो कि अंडर 5,000 रुपीज़ के अंदर एक प्रोसेसर परचेज करना, तो यार आपके जो कि प्रोसेसर रहेगा जो कि आता है इंटेल की तरफ से Core i5 2400। ये वाला भी प्रोसेसर यहाँ पे जो कि है थोड़ा बहुत पुराना है यहाँ पे जो कि देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत नहीं यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कि पुराना प्रोसेसर देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको i3 के बारे में बताया, तो यार सारे टास्क ये वाला भी प्रोसेसर यहाँ पे आप जो कि फुलफिल करवा के देगा। अंग्रेजी वाला प्रोसेसर में आपको जो कि 3.1 GHz की जो कि है क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। क्वाड कोर वाला यहाँ पे उसके प्रोसेसर देखने को मिलता है गाइस, LG 1151 सॉकेट पे बेस्ड यहाँ पे उसके प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर 6MB की कैश मेमोरी के साथ वाला आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है गाइस, अगर 65W की यहाँ पे आप जो कि TDP इस वाले प्रोसेसर में भी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ये भी आपको जो कि अच्छा खासा कैपेबल यहाँ पे आप जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आपका जो कि बजट कम है, तो यार आप जो कि इवन इस वाले जो कि प्रोसेसर के साथ भी जा सकते हैं। ये भी आपको जो कि नॉर्मल गेमिंग अंगज ऑफिशियल टास्क वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ आराम से वाला जो कि प्रोसेसर आपको जो कि करवा के देगा। प्राइस के बारे में बात करूं गाइस, ये वाला प्रोसेसर आपको जो कि है 3,520 रुपीज़ में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा गाइस, इसकी बिल्डिंग का उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जो कि इस वाले प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं, साथ ही में इसको जो कि कॉम्पिटेबल यहाँ पे आप उसके मदरबोर्ड की भी लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी आप जो कि चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अगर अभी बात करते हैं बजट गेमिंग प्रोसेसर के बारे में, जो कि यार यहाँ पे आपको इंटेल की तरफ से मतलब Core i3 10100F यहाँ पे आप जो कि देखने को मिलता है। अगर आपको जो कि लेटेस्ट मॉडर्न AAA वाले गेम्स को प्ले करना है, या फिर थोड़ी हैवी यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करनी है, हैवी यहाँ पे जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग सारे यहाँ पे जो कि हैवी टास्क परफॉर्म करने हैं, तो यार आपके लिए जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा प्रोसेसर। नॉइस ये वाला जो कि प्रोसेसर 4 Core 8 Threads के साथ आपको जो कि देखने को मिलता है। 3.6 GHz की यहाँ पे उसकी बेस लो फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है, 4.3 GHz की यहाँ पे उसकी बूस्ट लो फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है। LG 1200 सॉकेट पे बेस्ड यहाँ पे उसकी प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर 6MB की यहाँ पे उसकी कैश मेमोरी सॉरी प्रोसेसर में देखने को मिलती है, 65W TDP के साथ आता है गाइस। एंड गाइस DDR4 ओनली 2666 MHz के रैम को जो कि प्रोसेसर सपोर्ट करता है। इवन यहाँ पे आप जो कि डबल चैनल रैम को भी इस वाले जो कि प्रोसेसर पे यूज़ कर सकते हैं।
ओवरऑल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आउच के प्रोसेसर देखने को मिल जाता है गाइस, बहुत ही यहाँ पे आउच के कैपेबल प्रोसेसर देखने को मिलता है इस वाले प्रोसेसर पे आउच के मॉडर्न ट्रिपल एट वाले गेम्स को एंड गाइस प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर को बहुत ही आराम से यहाँ पे आउच के रन कर सकते हैं एंड गाइस 10th जनरेशन का लेटेस्ट यहाँ पे आउच के इंटेल का प्रोसेसर देखने को मिलता है। प्राइस की बात करूं तो गाइस ये वाला प्रोसेसर आपको 7,929 रुपीज़ में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। इसकी भी लिंक आउचिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जो कि इस वाला प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। नाउ गाइस अभी जो कि एएमडी की तरफ से आने वाले प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो यार यहाँ पे आप पूछे कि एएमडी की तरफ से आने वाला राइजन 5 1600 यहाँ पे आप उसके प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि यार मार्केट में ज़्यादा टाइम जो कि आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। बट यार अगर आपको जो कि अगर प्रोसेसर ऑफलाइन मार्केट में मिलता तो यार यहाँ पे इससे बढ़िया आपको जो कि कोई भी प्रोसेसर देखने को नहीं मिलता 10,000 रुपीज़ के अंदर। बेसिकली वाला प्रोसेसर आपको जो कि आराम से 8 to 9,000 रुपीज़ के अंदर ऑफलाइन मार्केट में मिल जाना चाहिए अगर अवेलेबल होगा तो। नॉइस वाला जो कि एएमडी का फर्स्ट जनरेशन का यहाँ पे उसकी प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि यार 6 cores and 12 threads के साथ आता है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उसकी पावरफुल वाला जो कि 10,000 रुपीज़ के अंदर आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस वाले प्रोसेसर में आपको जो कि 3.6 GHz की बेस लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, 4.2 GHz की यहाँ पे उसकी बूस्ट लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, 65W की यहाँ पे उसकी TDP देखने को मिल जाती है, 16 MB की यहाँ पे उसकी केज मेमोरी इस वाले प्रोसेसर में आपको जो कि देखने को मिलती है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसके कैपेबल वाला जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाता है गाइस। इस वाले प्रोसेसर पे आप जो कि आराम से 1080p लेवल की गेमिंग वीडियो एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग इस वाले प्रोसेसर पे आप जो कि आराम से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे उसकी वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर आपको वाला जो कि प्रोसेसर ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल मिलता है तो यार आप जो कि जरूर से इसके साथ जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे उसके प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। नाउ गाइस एक और हमारे पास एएमडी की तरफ से आने वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि यार एएमडी राइजन 5 3500 यहाँ पे उसके प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये आपको जो कि लेटेस्ट 3rd जनरेशन का यहाँ पे उसके प्रोसेसर देखने को मिल जाता है गाइस जो कि यार 6 cores and 6 threads के साथ आता है। इसमें आपको जो कि 3.6 GHz की बेस लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, 4.1 GHz की यहाँ पे उसकी बूस्ट लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है गाइस, एंगस 90 MB की कैश मेमोरी के साथ ये वाला आपको जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। DDR4 3200 MHz की रैम को जो कि प्रोसेसर सपोर्ट करता है गाइस। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो कि प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इस पे भी आप जो कि मॉडर्न गेम्स को आराम से यहाँ 1080p लेवल पे प्ले कर सकते हैं, साथ ही में यहाँ पे आप जो कि आराम से वीडियो एडिटिंग भी इस वाले जो कि प्रोसेसर पे कर सकते हैं गाइस, एंगस इवन यहाँ पे आप जो कि लाइव स्ट्रीमिंग भी इस वाले प्रोसेसर पे कर सकते हैं। प्राइस की बात करूं गाइस जो वाला प्रोसेसर आपको जो कि 13,299 रुपीज़ में अवेलेबल देखने को मिलेगा, हालांकि यार थोड़ा बहुत हमारे बजट के बाहर है। बट यार अगर आपको जो कि तगड़ा यहाँ पे गेमिंग पीसी बिल्ड करना तो यार आपके लिए वाला जो कि बढ़िया ऑप्शन रहेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगी गाइस। बहुत ही बढ़िया वाला जो कि प्रोसेसर आपको जो कि परफॉर्मेंस निकाल के देगा, कोई भी यहाँ पे जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यार इसकी भी लिंक आ चुकी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जो इसकी जो है प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। सो गाइस ये कुछ हमारे बेस्ट प्रोसेसर अंडर बजट ऑफ 10,000 रुपीज़। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोसेसर को परचेज करना होगा तो यार लिंक्स आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जो कि इनमें से कोई भी यहाँ पे आप जो कि प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। अगर होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं था चैनल जो कि जरूर से सब्सक्राइब करके गाइस। इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलता है उसके नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।